हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा, चाहे वो वर्ग एक हो या वर्ग दो, इस सभी से संबंधित जो न्यूज़ है मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। पिछले एक साल से लगभग आप तक जो न्यूज़ है मैं पहुंचा रहा हूं, तो बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं सपोर्ट किया मेरे लिए और लगभग 3000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने हमारे लिए दिए। तो दोस्तों, आप सभी का पहले तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में दोस्तों शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इसी प्रकार अपना प्यार हमारे लिए देते रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो आज की बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में, महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, यह न्यूज़ है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित और यह हमारी लगभग 70वीं वीडियो होगी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित। आप देख सकते हैं चैनल को विजिट करके जितने भी कैंडिडेट हैं उनके डाउट्स होते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, सभी पर पर्टिकुलर वीदियो यहां पर बनाई हुई है। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में उसे देखते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया दिसंबर से होगी शुरू। इसके बाद में दोस्तों माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी, तो उसके संबंध में भी इस वीडियो में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, सर्वप्रथम उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया दिसंबर से शुरू होगी और इसमें लिखा क्या हुआ है, शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग एक और वर्ग दो के रिजल्ट घोषित होने के बाद प्रदेश के 40,000 पात्र अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में थे। 3 माह बाद उनका इंतजार खत्म हुआ। फाइनली दोस्तों जो डेट है वो डेट भी आ चुकी हैं और यहाँ पर डेट भी मेंशन किए गए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसी प्रकार की जो न्यूज़ है शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर इंतजार खत्म हो चुका है स्टूडेंट का। स्कूल शिक्षा विभाग अब शिक्षक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की तैयारी में जुट गया है। इसमें पात्र अभ्यर्थी एक दिवस से काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकेंगे, ठीक है। एक दिसंबर से काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर पाएंगे। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 15 जनवरी 2020 तक पूरी कर ली जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही कम समय में जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो पूरे करने का उद्देश्य है यहाँ पर शिक्षा विभाग का। तो यहाँ पर इस संबंध में विभाग की कोर ग्रुप समिति की बैठक 8 नवंबर को आयोजित की गई थी। इसमें दोस्तों पहले सुनने को मिल रहा था कि नवंबर के अंत तक काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि 1 दिसंबर से यह शुरू हो जाएगी इस न्यूज़ के अनुसार, ठीक है। इसमें विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में समय सारणी तय कर NIC को दे दी गई है। अब यहाँ पर देखते हैं इम्पोर्टेंट जो डेट है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जिला शिक्षा अधिकारी से रिक्तियों की जानकारी मांगी। विभाग ने 20 नवंबर तक जिला शिक्षा अधिकारी से विषयवार शिक्षकों की रिक्तियों की जानकारी मांगी है। इसके बाद 1 दिसंबर को विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं आवेदक 1 से 10 दिसंबर तक, ठीक है, विज्ञापन जारी हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 दिसंबर को। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग 1 दिसंबर से ही 10 दिसंबर तक इसमें आवेदन कर पाएंगे। 1 दिसंबर से टोटल 10 दिन का आपके पास समय होगा आवेदन करने के लिए। और आपको बता दें सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे, सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कि दस्तावेज सत्यापन का कार्य 2 से 16 दिसंबर तक होगा। तो 2 दिसंबर से 16 दिसंबर तक आपका दस्तावेज सत्यापन का जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। सत्यापित आवेदनों की सूची का प्रकाशन 21 दिसंबर तक होगा और आवेदकों को 22 से 27 दिसंबर तक चॉइस फिलिंग करना होगा। चयनित आवेदकों के आदेश 5 जनवरी 2020 तक जारी हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग एक से संबंधित। यदि बात करें माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग दो की, तो यहाँ पर दोस्तों सुनने में आ रहा है विभाग के अधिकारियों की ओर से कि जो माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा वन वर्ग एक के कम्प्लीट होने के बाद 2 है उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ठीक है। तो जो माध्यमिक शिक्षक या वर्ग दो के कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करना होगा। अभी फिलहाल उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है 1 दिसंबर से, ठीक है। तो ये थी पूरी न्यूज़। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस
करना ना भूलें। इससे दोस्तों क्या होगा, जब यहाँ पर नई वीडियो अपलोड होगी तो उससे संबंधित आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो करते हैं पर समाप्त, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।